देवभूमि हिमाचल में ज्यादातर सैलानी महज यहाँ के गगनचुंबी पहाड़ों में बहने वाली बयार से झूलने वाले चीड़ और देवदार के पेड़ों की खूबसूरती निहारने के लिए ही यहाँ खींचे चले आते हैं। मगर ऐसे लोगों के लिए ये झटके वाली खबर है, क्योंकि हो सकता है कि पहाड़ों में अगले एक से डेढ़ दशकों के बाद आपको कहीं भी चीड़ प्रजाति के पेड़ बहुतायत मात्रा में देखने को मिले। ये इसलिए क्योंकि अब हिमाचल सरकार हिमाचल के जंगलों से इनका सफाया करने का मन बना चुकी है और इसके लिए बाकायदा एक योजना भी तैयार की गई है कि इसे कैसे और किस स्तर पर खत्म करना है। दरअसल सरकार और वन विभाग इन पेड़ों को इसलिए जंगलों से साफ करना चाहते हैं ताकि हर साल जंगलों में लगने वाली आग से वन संपदा को बचाया जा सके। इतना ही नहीं, एजेंडे के तहत विभाग अब मल्टी लेयर, मल्टी स्पेशन और मल्टी स्टोरी। इसका अर्थ ये है कि पहले जंगलों में लघु पौधे जैसे कि झाड़ियां, फिर मझोले पौधे, फिर ऊंचे पौधों को तवज्जो दी जाएगी और ये सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों लाखों की संख्या में कई कई हेक्टेयर जंगलों में चीड़ पाइन के पेड़ों को खत्म करके लगाए जाएंगे, ताकि जंगलों में जैव विविधता यानी बायो डाइवर्सिटी अखत्यार की जा सके। विभाग के मुख्य अरण्यपाल डीआर कौशल ने बताया कि जंगल में जितनी वायु डाइवर्सिटी होगी, जंगल का स्वास्थ्य उतना ही सुदृढ़ रहेगा। इतना ही नहीं, डीआर कौशल ने कहा कि जंगल में जितनी मल्टी स्पेसिज होगी, उतना ही फायदा लोगों को घास, जड़ी बूटियां और लकड़ी के तौर पर भी मिलेगा। इसके अलावा 60-70% तक ये काम सुचारू भी कर दिया जा चुका है। नतीजतन अब धर्मशाला सर्कल में कहीं भी चीड़ पाइन का पेड़ नहीं लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन पेड़ों को नर्सरी से भी पूरी तरह से हटाया जा चुका है। हाँ, पालमपुर के ऊंचे क्षेत्रों में जरूर देवदार के पेड़ों की प्लांटेशन की जा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जो हमने एक नीति हिमाचल सरकार ने चलाई है कि अब चीड़ पाइन जो है कम करना है क्षेत्रों में, क्योंकि फायर हजार्ड है और काफी क्षेत्रों में इस टाइम जो है आप देखते हैं कि गर्मी के ऋतु में बहुत ज़्यादा जो है जो चीड़ पाइन है उसकी नीडल्स फ्यूल का काम करती है और आग जो नियंत्रण से बाहर हो जाती है। तो चीड़ पाइन के जंगलों को धीरे धीरे ब्रॉड लीफ स्पीसीज में कन्वर्ट करना और हमारा एजेंडा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मल्टी लेयर्ड, मल्टी स्पीसी, मल्टी स्टोरी। मल्टी लेयर्ड मीन्स छोटे पौधे, झाड़ीनुमा बड़े पौधे, मझोले पौधे और ऊंचे पौधे, ये मल्टी स्टोरी फॉरेस्ट। और उसके बाद जो है मल्टी स्पीसीज, इसमें विभिन्न प्रकार की एक एक क्षेत्र में स्पीसीज लगानी है और ब्रॉड लीफ की स्पीसीज लगानी है। उससे क्या होगा कि हमारा जो जंगल है ये तो फायर जो प्रोन एरिया है वो रिड्यूस होंगे और हमारे क्षेत्रों की जितनी ज़्यादा हम स्पीसीज लगाएंगे उस क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी जो इम्प्रूव होगी। किसी भी फॉरेस्ट का जो हेल्थ का जो इंडिकेटर है, जितनी हाई बायोडाइवर्सिटी होगी, जीव विविधता होगी, उतना हेल्दी फॉरेस्ट होगा। तो हमारा एजेंडा है कि उन क्षेत्रों की हम बायोडाइवर्सिटी को भी बढ़ाएं और जब मल्टी स्पीसीज हम प्लांट करेंगे तो मल्टीपल बेनिफिट्स जो हैं लोगों को, जिसमें घास के रूप में, जड़ी बूटियों के रूप में और लकड़ी के रूप में, ईंधन के रूप में जो लोगों को मिलने वाले हैं। तो चील फॉरेस्ट को धीरे धीरे ब्रॉड लीफ में कन्वर्ट करने का हमारा नीति है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने ब्रॉड लीफ स्पीसीज को है 60% जो हमने जो है इसको लगाना शुरू किया है और चीड़ को धीरे धीरे एलिमिनेट कर रहे हैं। चीड़ पाइन आज की डेट में हमारे धर्मशाला सर्कल में कहीं भी हम नर्सरीज में ग्रो नहीं कर रहे हैं और थोड़ी सी प्लांटेशन हमारी देवदार की, जो हमारा पालमपुर का हायर रीचेज का एरिया है उसमें देवदार की प्लांटेशन हमारी होती है। पहाड़ी एरिया जैसे हैं तो वहाँ पे किस तरह से कार्य का? देखिए, जितने चीड़ पाइन जोन, एक निश्चित अल्टीट्यूड तक चीड़ पाइन जोन होता है और उससे ऊपर हमारा कैल शुरू होता है। मैं स्पीसी जोनेशन से आपसे बात करूं कि सबसे नीचे हमारे ब्रॉडलीव होंगे, चीड़ पाइन होगा, फिर कैल होगा, फिर देवदार होगा, फिर फर स्प्रूस होगा और उसके बाद टेक्सस तरखाल जिसे हम बोलते हैं और भोजपत्र। लास्ट जो ट्री लाइन में जो हमारे प्लांट स्पीसी जो आती हैं वो भोजपत्र की हैं। तो अल्टीट्यूडनल जोनेशन के हिसाब से जो हमारा रेंज है चीड़ पाइन का वो हमारे इन क्षेत्रों में है और इन क्षेत्रों को हम इसमें धीरे धीरे ब्रॉडली में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे फायर हजार्ड को जो है काफी कमी जो है आगे भविष्य में आएगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए धर्मशाला, ब्यूरो की रिपोर्ट। मॉनसून के सुहाने मौसम में हिमाचल की पसंदीदा मारुति कारों पर आकर्षक ऑफर,
चुनिए नई ब्रिजा, डिजायर, स्विफ्ट, ऑल्टो या फिर वेगनार। गोयल मोटर्स के जिला शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर के हर कोने में सेल्स और सर्विस का विशाल नेटवर्क। आपके घर द्वार पर सुविधाएं। मारुति सुजुकी की गाड़ियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें 9317000172 पर।